Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2,200 selections since 1999. This is a seven-minute current affairs series called To the Point, Zid Se Jeet Tak. Hi, everyone. बच्चे लास्ट मॉनसून सेशन जो 2023 के अंदर हमारे पार्लियामेंट का हुआ था उसके अंदर एक पर्टिकुलर एक्ट जो है वो उसका जो बिल है वो पास हुआ था और वो एक्ट में कन्वर्ट हो गया था राइट अभी क्या है उस पर्टिकुलर एक्ट के ऊपर हमारे नोटिफिकेशन है वो आ गई है कि ये कैसे आगे जाएगा दैट्स वाई इसको हम अब कवर कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर चीज क्या है अपने टाइटल में देख ही लिया होगा बच्चे वी आर टॉकिंग अबाउट इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन इंटर मतलब सर्विस हैं या कोई ऐसा काम लेना चाह रहे हैं जिसके अंदर आपकी आर्मी और आपकी एयरफोर्स दोनों की रिक्वायरमेंट है या फिर एयरफोर्स और नेवी की रिक्वायरमेंट है या फिर आर्मी एयरफोर्स नेवी की रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट टू ऑफ सर्विसेज सर्विस आर्मी नेवी और आपके एयरफोर्स के बीच में से अगर दो आप की सर्विसेज आप ले रहे हो और उनका एक अलग से आप एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो

उसके पास में फुल वर्किंग को मेंटेन करने के लिए चलते रहने के लिए उसके पास में पूरी पावर होगी ही ही विल विल बी बी और शी फॉर द ऑफ दो जो आपके ISO के मेंबर होंगे इससे पहले क्या होता था फॉर एग्जाम्पल कोई इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आर्मी एयरफोर्स नेवी तीनों के लोग हैं और बाय एनी चांस आपने आर्मी वाले किसी जो आर्मी से आया वहां पे उसके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है राइट वो उसने ऑर्डर ओबे नहीं किया या जो भी है वो डिसिप्लिनरी एक्शन आपका पहले कमांडर इन चीफ जो उसका ऑर्गेनाइजेशन का कमांडर था वो नहीं ले सकता था वो जो उसका आर्मी में उसका वहां सीनियर होगा वहीं के थ्रू आपको एक्शन जो है वो दिलवाना पड़ता था तो ये इसमें एक मेजर चेंज आया है राइट अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अब इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी जितनी भी नई ऑर्गेनाइजेशन बनेगी वो ऑटोमेटिकली एक्ट के अंडर बनेंगी ऑब्वियसली और जो पुरानी है इट इज जितनी भी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है इस टाइप की जिसके अंदर एक से ज्यादा सर्विसेज जो है वो एक साथ में काम कर रही है

The government seeks to integrate the capabilities of the army, the air force and the navy and optimally नेवी the resources for wars and operations under the model, right? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है बच्चे कि तीनों के बीच में कोहेरेंस क्यों होनी चाहिए एफिशेंसी क्यों होनी चाहिए राइट अगर आपके तीन ब्रांचेज ऑफ डिफेंस है उनके बीच में कॉर्डिनेशन क्यों होनी चाहिए ये बहुत बेसिक है है ना आइए बच्चे देखते हैं

ऑफ दी थ्री सर्विसेज और कौन कौन सी आर्मी नेवी एंड दी एयरफोर्स राइट एटलीस्ट टू ऑफ थ्री सर्विसेज का उसमें होना जरूरी है तो ही उसको जो है इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो ओ, वो नाम से भी समझ में आ रहा है, वैसे. इतना तफ, तफ नहीं है, right? हो है दिमाग से तो एटलीस्ट टू कंट्रोल ऑफ इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इट एम्पावर दमांडर इन चीफ जो बनेगा और ऑफिसर इन कमांड जो भी नाम ऑफ एन इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सरसाइज कमांड एंड कंट्रोल ओवर पर्सनल सर्विंग इन और नाउ कमांडिंग ऑफिसर इज इन ऑफ द कैन टेक द पहले ऐसा नहीं था जो आर्मी से आया उस पर एक्शन आर्मी वाले आर्मी का सीनियर लेगा एयरफोर्स वाले एयरफोर्स का सीनियर लेगा तो इस चक्कर में आपका जो एफिशिएंसी है जो टाइम है वो वेस्ट होता है राइट और जब एक

सिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड एंश्योरिंग प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज बासन द सुपरविजन ऑफ एन इंटर आई एसओन सेंट्रल गवर्नमेंट इन चीफ एलिजिबल कौन कौन है बच्चे टू बी अपॉइंटेड एस कमांडर इन चीफ ये आपके प्रियो पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे जनरल ऑफिसर ऑफ रेगुलर आर्मी अब रैंक ऑफ ब्रिगेडियर राइट इंपॉर्टेंट है फ्लैग ऑफिसर ऑफ नेवी रैंक ऑफ एडमिरल ऑफ द फ्लीट एडमिरल वाइस एडमिरल और रियर एडमिरल राइट और अगर एयरफोर्स से है तो एयर ऑफिसर ऑफ एन एयर फोर्स अब रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन राइट आइए बच्चे जाते जाते मैं आपको एक बोनस स्लाइड और दे देता हूं इसके अलावा इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के जो सोल्जर्स है इट इंक्लूड्स फ्रॉम दर्मी एयरपोर्ट एंड दी नेवी ऑल्सो फ्रॉम दीट्यूट लाइक

7 minute to the point series especially designed for your prelims examination if you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview please check out abhimanyu ias current affairs master course 2024 it is based on trishul model you will be getting three things number one weekly classes number two weekly pdfs of current affairs number three weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se jeet tak and if you are ziddi enough subscribe for regular updates this tailor made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for upsc civil service examination 2024